देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, और कहना चाहूँगी कि ये दिन महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्व दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। कितना बड़ा निर्णय जो महिला वर्ग के लिए हुआ है, और ये महिलाएं कभी नहीं भूल सकती कि हमें भी आगे आने का जो मौका जो दिया है केंद्र सरकार ने दिया है। और कहीं ना कहीं जब नेक्स्ट सेशन बैठेगा, ज़रूर एक नया उपहार एक महिलाओं को मिलने वाला है। और जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि अगली बार यहाँ पर 23 या 24 महिला, ये तो मतलब बहुत एक खुशी की बात है। महिलाएं आगे आएगी, बहुत अच्छा महिला काम कर सकती है बहुत ईमानदारी से, और ये महिलाओं के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि लिया गया है। आपके लिए इस वक्त कैसा समय है, क्योंकि आप एकमात्र महिला हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायक? देखिए, एकमात्र महिला मैं होने के नाते इस विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं मुझे ये कमी ज़रूर रहती है कि महिलाएं होनी चाहिए। महिलाओं का हर जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं तो राजनीति में भी क्यों पीछे रहें। महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए। और ये तो आज का जो ये निर्णय है, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा निर्णय है। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा एक जो खुशी है मुझे मुझे इस बात का, वो मुझे खुद ये फीलिंग होती है कि मैं ये विधानसभा में अकेली जो महिला बैठती हूँ इस, और अपनी विधानसभा का जो मैं जो भी समस्या है वो समस्या मैं रखती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है अगर और भी महिलाएं होती वो भी अपनी बात रखती, और ऐसा होना चाहिए, और ये आने वाले समय में हमें दिखेगा भी। आखिर में ये जानना चाहेंगे, जो सभी राजनीतिक दल हैं सब इसका समर्थन कर रहे हैं, ये कितना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिसिंग महिला कहीं ना कहीं मिसिंग थी। चाहे वो आप अपनी यहाँ विधानसभा अगर आप देखेंगे, या हम बड़े दिल्ली की अगर हम कहीं बात करें, कहीं संख्या में वो संख्या मिसिंग थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, और इससे मैं कहना चाहूँगी कि पूरी महिलाओं में एक इस प्रकार से एक खुशी है कि हमारे लिए किसी ने कम से कम सोचा कि हम भी आगे आए। तो बहुत बड़ा ये निर्णय है, मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ केंद्र सरकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।